और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल शाम 6 बजे के बाद प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को पता चलेगा तीसरी बार फिर मोदी सरकार या फिर जनता का मूड कुछ और है। देखिए रिपोर्ट। तो एक के बाद एक 6 चरण पूरे हो चुके हैं, अब 7वें चरण का जो रण है वो 1 जून को होना है। 58 सीटों पर देश भर में वोट डाले जाएंगे, 7 राज्यों में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटें हैं इस बीच में। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं वो आपको बता देते हैं, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, ये वो सीटें हैं जहाँ पर 1 जून को मतदान होगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा से तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे, वीवीआईपी सीट, हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट वाराणसी, साथ ही गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो आप सुन रहे थे यहां से विधायक रहे हैं। और देखिए इनके इस सीट से रवि किशन जो है तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल हॉट सीट है गोरखपुर भी, तो वहां पे भी वोटिंग जो होनी है वो 7वें चरण में 1 जून को होनी है। फिलहाल आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और उनकी जो सीट है वहां से तमाम बीजेपी के कद्दावर दिग्गज जो है वो पीएम मोदी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी एक के बाद एक, एक तरफ विपक्ष अपने पक्ष को यहां वोट दिलाने के लिए लोगों से अपील करता हुआ नजर आएगा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता हुआ नजर आएगा, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी 7वें और अंतिम चरण में ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार जारी है। तो 7वां और अंतिम चरण नजदीक है और पूर्वांचल में कई अहम चेहरे मैदान में हैं, जिसमें वाराणसी से पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी में पीएम मोदी पर एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलसूत्र मुसलमान पर घेरने के साथ ही जुम्मे की छुट्टी पर सवाल उठाने के मसले पर भी घेरा उन्हें और दावा किया है एक बड़ा। उन्होंने कहा है कि भाई हफ्ते में 7 दिन की जगह 8 दिन भी कर सकते हैं और 8वें दिन का नाम मोदीवार भी रख सकते हैं। मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? तो आप ये कह दो हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा, मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो कर। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको पीएम मोदी का झारखंड के दुमका में दिया गया वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने रविवार और शुक्रवार की छुट्टी पर जिक्र किया था। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से एक रविवार परंपरा शुरू हुई। अब यहां अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है, 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा अब ईसाइयों से झगड़ा, ये क्या चल रहा है भाई? उधर वाराणसी की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। मुजरे पर मचे घमासान पर बोलते हुए ओवैसी ने मुजरे को महिला से और फिर चीन से जोड़ दिया। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? मुजरा हो रहा है, नरेंद्र मोदी देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरजेडी को मुजरे वाली जमात कहने के बाद ये बवाल उठ रखा है। आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी ने मुसलमानों से पीएम मोदी को सपोर्ट करने की अपील की है। बरेलवी ने कहा है कि सपा ने मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, अब समय आ गया है कि मुसलमान मोदी जी का साथ दें। और खासतौर पर अखिलेश यादव ने हाशिए पे कर दिया, तो अब ऐसी सूरत हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उस दोस्ती का हाथ दोस्ती के साथ में होना चाहिए। पर देखिए अनूप, एक तरफ पीएम मोदी ने जो आरजेडी को मुझे वाली जमात वाला बयान दिया उस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी साहब, जो मुसलमानों से पीएम मोदी को सपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं लेकिन दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है, एक पीएम के सपोर्ट की बात कर रहे हैं और एक पीएम के सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वो खास तौर पर खुद कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं और दोनों को एक चश्मे से देखते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पसमंदा मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से योजनाएं लाई जाती है, जिस तरीके से उनके लिए काम किया जाता है, इससे कई बातें साबित हो जाती है। जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी चूंकि बनारस में वोकल से डटे हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में वो मुस्लिम समाज का गोलबंदी कर सके। यही वजह है कि कल बनारस के ही एक सभा में उन्होंने अतीक अहमद और अंसारी ब्रदर्स को लेकर के भी उन्होंने बयान दिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने अपील की कि अगर अपनों को अभी अगर वोट नहीं दिया तो फिर देर हो जाएगी और फिर उनको भी मौत का घाट उतार दिया जाएगा। तो ये अंदाज असदुद्दीन ओवैसी का पुराना है और कहीं ना कहीं वो लगातार हिंदू मुसलमान की राजनीति पर जोर। बलिया लिए चलेंगे सीधा।